गुड इवनिंग दोस्तों, हम आए हैं अभी मनाली माल रोड पे। जी हाँ, मनाली माल रोड पे अभी पहुँचे हैं। गाड़ी को पार्किंग में लगाया, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे और बड़ी मुश्किल से पार्किंग में लगा पाए हैं। और आप एक्सप्लोर करेंगे मनाली का माल रोड। ये देखिए, बहुत ही भयंकर भीड़ पूरे माल रोड में। ये पूरी माल रोड मीन्स माल था रोड, यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलती हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ अलग अलग हाइब्रिड की चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि बहुत ही कंचे नुमा रस गुलाब जामुन और बड़ी भयंकर भीड़ जो पता नहीं किस लिए बिना मतलब के लिए है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, हमने माल रोड पे मारी एंट्री। ये साइड में दुकानें, अलग अलग तरह की शॉल सूट सलवार साड़ी खाने पीने की सब इधर दुकानें। कहाँ है दोस्तों? भीड़ ही भीड़। मैंने क्या कहा था, बहुत अजूब अजब गजब चीजें दिखाऊंगा। एक तो आपने देखी कि भीड़ कुछ नहीं है यहाँ, कोई किसी का नहीं, सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए इधर हम भी आ गए दोस्तों। बिना मतलब की कटवाई 100 रुपए की पर्ची पार्किंग की, और अब यहाँ किसी को कुछ भी पसंद आ नहीं रहा। बाकी यहाँ पता ही नहीं है क्या है, हम क्यों हैं, और यहाँ इतनी भीड़ क्यों है भाई? क्या फ्री में मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा फ्री में। एक अच्छी चीज यहाँ मिली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है ये माँ दुर्गा का मंदिर। ये है माँ दुर्गा का मंदिर, है माता दुर्गा माता का मंदिर। ये अच्छी चीज़ें यहाँ मिली है, बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दिया। इसके सामने ये चाट पकौड़ी की दुकान है। ये है, आए टीना आ जाओ। इतनी भीड़ में एक चीज पसंद आई और वो है सॉफ्टी। सॉफ्टी खाते हैं। ये भाई दे रहा है सॉफ्टी, तो वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच सब तरह की सॉफ्टी दे रहा है। ये हम ये चॉकलेट पता नहीं क्या है, स्ट्रॉबेरी ये पहाड़ जैसी स्ट्रॉबेरी, और आप इसको खा जाएंगे मम्मी बनाएंगे। ये भाई बना रहा है ये पहाड़ जैसी स्ट्रॉबेरी, क्या वाह। ये इतनी भीड़ में आके हमने क्या खा, हिम क्रीम। हिम क्रीम इस भीड़ से की गर्मी से बचने के लिए ये। चलो अभी ये हिम क्रीम खा के फिर मिलते हैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। ये सॉफ्टी खा के कुछ पेट में ठंडक पड़ी, कुछ एनर्जी आई, एनर्जी लो सी हो गई थी इस भीड़ को देख के, फिर हम और आगे शिकार के निकल पड़े। इस भीड़ को देखते हुए हम कुछ और खाने का ढूंढने लगे, फिर हमें मिला क्या, ये देखो कंचा वाले गुलाब जामुन। ये दूसरा अजूबा जो मैंने आपको दिखाया, कंचा के गुलाब जामुन, इतने छोटे छोटे गुलाब जामुन। भाई कौन सी जगह है ये, यहाँ सब कुछ है पर रोटी नहीं है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। इस जगह सब कुछ मिल रहा है, देखो उस वहां मिलेगी पिज्जा पास्ता डोसा है,
रोटी नहीं है। चलो आगे बढ़ो। हाँ प्योर वेज रेस्टोरेंट हो रहा। हमको फिर दिखा एक प्योर वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट। हम वहाँ घुस गए और हमने वहाँ इस भीड़ में घूमते घूमते और खाने बदहोश की तरह खाने को ढूंढते ढूंढते हमें कुछ नहीं मिला, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम चलते रहे चलते रहे। फिर हमें आगे दिखाई दिया शान ए पंजाब, पंजाबी रेस्टोरेंट। यहाँ कोई गाना गा रहा था, उसका गाना सुनने के लिए भीड़ आई थी सारी, तब पता लगा हमें। ओ हो ऐसे चलते चलते हम आ गए बिल्कुल बाहर। नहीं चाहिए भाई, क्या करेंगे। एक भाई चश्मे बेच रहा था। फिर चलते चलते हमें दिखा क्या, मनाली मोमोज। इससे हमें पता लगा कि मनाली में मोमोज बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग मोमोज बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मनाली के नाम के भी मोमोज बिकने लग गए हैं यहाँ, तो मोमोज यहाँ का जो है मनाली का जो है फूड घोषित, ये डिश घोषित कर देनी चाहिए। तो दोस्तों डिनर करके अब हम चल दिए हैं वापस अपने कमरे की तरफ, गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी उठाते हैं और भीड़ को चीरते हुए पार्किंग में पहुंचते हैं और गाड़ी अपनी को लेते हैं और फिर रूम पे जाएंगे और पढ़ के सो जाएंगे। आह जिंदगी मजे मजे। मनाली मोमोज वाकिफ से टैक्सी उत्तान पास के लिए हम लोग भीड़ के समुद्र से बाहर निकल आए हैं और हम अपने आप को बहुत ही धन्य समझ रहे हैं कि हम इस समुद्र में बहे नहीं, नहीं तो हमें एक बार तो ऐसा लग रहा था कि हम इस समुद्र में बह जाएंगे और हम अपने आप को ही नहीं ढूंढ पाएंगे। पर फिलहाल हम वहाँ से निकल आए सही सलामत उस समुद्र को चीरते हुए और अब हम अपनी गाड़ी लेंगे पार्किंग से। यहाँ पार्किंग थोड़ी महंगी है, 100 रुपये लिए गाड़ी पार्किंग करने के, पर चलो कोई बात नहीं, इतनी भीड़ में भी पार्किंग हमें मिल गई, ये हमारा बड़ा अचीवमेंट रहा। और अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जाके हम सो जाएंगे।